फाजिलका के सरहदी गांव तेजा रोहिला में कंटीले तारों के पार खेती करते किसानों ने गेट को लगातार खोलने की मांग को लेकर गाँव के चौक में धरना दिया। इससे पहले उनके द्वारा तेजा रोहिला गांव में बीएसएफ चौकी के पास धरना प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन वहां मौजूद बीएसएफ कर्मियों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इस बात की जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि करीब एक सप्ताह पूर्व एसडीएम फाजिलका को उनकी फसल की संभाल के लिए बीएसएफ के गेट को लगातार खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा था कि अगर एक सप्ताह के भीतर बीएसएफ गेट लगातार नहीं खोलेंगे तो वे गेट के सामने धरना देंगे। एक सप्ताह बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर वे बीएसएफ चौकी से करीब 500 मीटर की दूरी पर धरना देने जा रहे थे, तो बीएसएफ कर्मियों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया और वहां पर उन्होंने कई अन्य आरोप भी लगाए। उन्होंने बीएसएफ गेट सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुलवाए जाने और तेजा रोहिला के गेट नंबर 247 को सप्ताह भर खोले जाने के अलावा बंद पड़े गेटों को फिर से खोले जाने की मांग की है। उनकी मांग पूरी न होने पर उन्होंने अपना संघर्ष और तेज करने की चेतावनी भी दी है। इस मौके पर मौजूद बीएसएफ अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर बीएसएफ एरिए के नजदीक धरना देने की इजाजत नहीं है। गेट खोलने की मांग को लेकर बात करने पर उन्होंने कहा कि सभी गेट बीएसएफ हेडक्वार्टर के आदेशों पर ही खुलते हैं। वही किसानों द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को नकार दिया। गेटां ते समां गर्मी दा है, गर्मी दे होने कारण जिहड़ा है भी सवेरे 7:30 बजे गेट खुलना चाहिए और शाम के जिहड़े 6 बजे के लगभग तक गेट खुलना चाहिए। इन्होंने सर्दी वाला ही टाइम रखा हुआ है, 9:30-10 बजे गेट खोलते हैं तो 4 बजे सारे वापस बुला लेंगे। तो असं इस संबंध में एक मेन गेट है 247/ जिहड़ा है 247 मेन तेजा रोहिला का, वो गेट जिहड़ा है पिछले दिन असी मांग पत्र दिता सी, उहदा साडी मीटिंग होई सी साडे आगुआं दी इत्थे, तो उन्होंने कहा कि असी भी सर्दियों के समय 2 दिन खोलेंगे हफ्ते में, तो इस तो बाद जिहड़ा है भी दिन वधा देंगे। हुण गर्मी के दिन ने झोना लगना है और जिन्हें बत्तर वगैरह होने पाले पैलियां वाहनियां ने ना किसानों ने तो वो दिन नहीं बाद कर रहे। इस संबंध में असं पहले ना कंपनी कमांडर साडे साथी चिता सिंह आगू ने मिले, मैं उस जी जी बेस से कंपनी कमांडर गलबात की भी समा वधाया जाए, जिहड़ा समा सवेर का किया जाए, पर उन्होंने कोई गलबात नहीं सुनी साड़ी। उस तो बाद असी बकायदा मानयोग SDM साहब नूं मांग पत्र साढ़े जिहड़े सूबा प्रधान ने कामरेड सुरेंद्र टणिया जी दिगवाई विच दिता वफद दे तौर ते मिल के, तो असी हफ्ते का टाइम दिता है कि साडा जिहड़ा गेटां दा हल किया जाए, जना किया गया तो असी वख-वख गेटां ते जिहड़ा धरना देवांगे। तो उस संबंध में असी जिहड़ा तेजा रोहिला दे विच आए सी जिहड़ा उत्थे धरना देने वास्ते गेट ते गेट तो काफ़ी असी पिछा 4-5 किले दूर, तो पोस्ट तो भी जिहड़ा उन्होंने कहा भी तू दूर लाओ, तो साढ़े साथियों ने जिहड़ा 1-1.5 किला दूर धरना लाने की कोशिश की, पर उन्होंने उत्थे लाठीचार्ज करने की कोशिश की, गल पै गए बीएसएफ के जिहड़े अधिकारी से, तो असं उनकी निंदा करते हैं क्योंकि असं आपकी जबान ज आवाज़ ही नहीं ठा सकते, फिर असं कहद इंसान है जहाँ दे किसान आगू हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का जो मसला है उस तरह तो फिर 50 किलोमीटर का एरिया बनता है बीएसएफ का, फिर 50 किलोमीटर ही असं आपकी आवाज़ नहीं ठा सकते। असं नहीं चाहते सी धरना लगे, बैठ के उन्होंने गलबात जी साड़ी सुनी जाए तो उनका हल कढ़ा जाए। बकायदा मेरी पहले 20 मिनट गल हुई है CID वाले नाल, वो कहता भी तुम धरना ना लाओ एक करी उ इन्हों बिठा के तो गलबात मैं थोड़ी करा देना अफसर, तो मैं आप जाके मौके पर जाके बैठा उत्ते, मैं क्या भाई अगर तुम बैठो तो फिर आप गलबात करने, पर वो जिहड़ा इन्ना उन्होंने जिहड़ा वितारा गलत सी भी वह एकदम टुट पै, मेरे परिवार को बच्चे नाल सी उन्होंने भी उस तरह के भी मान के चल अबताब इन्हों की करने की कोशिश की और मैनू चौड़ियों तो फड़ के जिहड़ा पोस्ट के अंदर खिंच के लै गए। कायदा कंपनी कमांडर GG बेस वाले नाल मेरी हुई है, तो जिहड़ा इतों का कंपनी कमांडर उन्हें नाल साडा जिहड़ा ब्लाक आगू चीता सिंह उनकी गलबात हुई है, पर उन्होंने कान ते जिहड़ी जूं तक नहीं सिरकी इहदे संबंध में, तो हुण भी जिहड़ा वह अनेर करदी इन्नी कु अजीब कहिंदे सानूं पिछू आर्डर आउणगे। बकायदा साडी जलंधर साडे आगूआं की मीटिंग हुई है तो उन्हें विच पास किया गया भी टाइम जिहड़ा है सवेरे 7:00-7:00 बजे का गेट खोलण दा है, तो शाम का 6 बजे का गर्मियों का जिहड़ा समां है, पर 9:30-10 बजे गेट खोलदे जिहड़ा साढ़े गेटों तो पार दे मसले, जिवें कि साढ़े गेट काफ़ी चिर तो एक गेट 247/ मेन जिहड़ा है 2 दिन ही सिर्फ खुलता है, 5 दिन तक सानूं वेट करना पैंदा है, जिहड़ी साड़ी खेती च सही ढंग नाल नहीं हो सकती। अज असी SDM साहब नूं पहला असी अज तो सप्ताह एक पहला जिहड़ा मंग पत्र दिता सीगा, जे 7 दिनों दे विच अगर साडा हल कोई हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर असीं धरना प्रदर्शन गेटां ते करांगे। साडा 7 दिन असीं वेट करन दे बावजूद साडा कोई भी सुनवाई नहीं कीती गई BSF वल्लों। अज असीं धरना मुजहरा करन वास्ते तो लगभग 400 मीटर की दूरी से तारां तो पिछे जिहड़ा सीगा करन जा रहे सी। BSF अधिकारियों वल्लों जिहड़े कहिंदे साडे कोल
चंद बंदे गेट खोलने वास्ते नहीं गए, अज घटो घट 40 बंदा को साढ़े खड़ा करता, जिन्हों का उत्थे लाठीचार्ज भी की गई, होर मीडिया के नाल भी इन्ना गलत सलूक किया गया, बड़ी दुखदायक अज घटना जी साढ़े किसानों के नाल वापरी है। ये उम्मीद असं कदे भी बीएसएफ वालों नहीं कर सकते जी, पर जी अब साड़ी लेडीज नाल भी छिक छपेड़ की गई है, साढ़े प्रधान कामरेड जे सूबा प्रधान उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सामने गलत सलूक तौर कॉलर तक भी पकड़े गए हैं। असी चाहते हैं कि जो तक साडा कोई भी हल नहीं होंगे, असं इतने धरने पर बैठे हाँ, साडा संकेतिक तौर पर धरना है, असं उत्थे भी धरना जिहड़ा एक गांधीवाद के नाते दिता जा रहा है साडे वालों, पर साडे नाल जिहड़ी अज बीएसएफ वालों बहुत ही अनहोनी हरकत की गई है, असं उन्हें बिल्कुल खिलाफ हाँ। प्रशासन को असं हाथ जोड़ के अपील करते हैं मीडिया के थ्रू, घटो घट मान साहब तक साड़ी गल नूं जिहड़ा ये पहुँचाया जाए, ताकि सानू जिहड़ी तंगियां फंगियां बीएसएफ वल्लों दित्तियां जाए, कहिंदे ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसानां दी किसानां वास्ते फोर्स है, पर नहीं सानू तां इह लगदा जिवें साडे ते 75 साल वरे बीतण दे बावजूद भी असीं अज वी उवें गुलाम हाँ जिवें पहला साढ़े ते 100 साल अंग्रेजां ने राज कीता सी, बीएसएफ साडे ते उस तरह ही राज करे। इन्नियां दुख नायक नाल कहना पै रहा है, फोन दे विच वी उहनां जिहड़ियां रिकॉर्डिंगां दे हिसाब नाल जां मेरे मैनूं खुद संदेश भेजे ने, अरे तुहाडे नाल असीं तुहाडा गेट मैं बंद कर देंगा, जां तेरा मैं आधार कार्ड वाईफाई करावांगा, जां तेनूं मैं तेरी जन लेबर तक नहीं जाम देना बाहरों, बहुत ज़्यादा उन्हें रस्ते बंद कर देंगे। हालांकि साढ़े को सन 1990 तक की जां 2017 के जी साड़ी किसानों की मीटिंग फिर दोबारा बीएसएफ के सारे उच्च अधिकारियों के नाल हुई सी सरकार वजो, उन्होंने जी साड़ियां हदायतों के अनुसार बनती साड़ी जी नियमों के अनुसार सब गेट जे लागू हुए हैं, एक तो गेट पूरे तो पूरे खोले जाए, जो समय है साड़ा समा बताया जाए, दूजा जो सू रस्त तो अज मतलब रोकता रखा वा सर रस्ते वास्ते खेती कर नहीं दिता जा रहा, तो अभी खेती कितों करा अगों साड़ी खेती लगभग सारे डेल किड़ी हुई है, जिन्हें ट्रैक्टर कोई लैके जाना उन्होंने ट्रैक्टर पर भी नहीं जान दिता जा रहा। तो दिनों इस तरह है भी अज जिमें कि किसान साढ़े किसान घटो घट भी 25 किसान ने, जिमें खाद अज तो मैं लैके जानी है, हो सकता दो दिनों बाद किसी होर की वारी है, खाद भी एक टाइमिंग के हिसाब से जी फसल दी जा सकती है, यह तगा नहीं भी अज खाद अभी सारे किसान 25 किसान ही जाके खाद पावे, उस करके एक दूजा नंबर साढ़े अजय भी बजुर्ग जो पिछले बैठे तो बड़े हार्ट के बड़े पेशेंट ने, इन्होंने को थप्पा थप्पा गोलियां ने, जिन्होंने खराब ना किला वार्ड में चलना बड़ा मुश्किल है, तो इन्होंने को उधर इन्नी धुप तो दोपहर 45 डिग्री जितने टेंपरेचर है, तो तारा गर्म हो बाकी जी रस्ता है तारा के नाल लगता वो इन्हें चंकी तरह जताई इन्ना को गहरा किया हुआ भी उत्तर साढ़े तो पैर ही सड़ जाते, साढ़े लोग चलना बड़ा मुश्किल, 3 किलोमीटर का जोड़ा है दायरा सूँ उपर की पैंता, तो यह जो सू हिसाब ना 100 मीटर की दूरी से गेट पैंता, असी हूँ जोड़ा संकेतिक तौर पर धरना दिता जा रहा साडा पिंड साडा धरना चलता रहेगा, अगर फिर भी कोई प्रशासन जब बीएसएफ वालों कोई सही तरीके कदम नहीं चुका जाता तो फिर असी हो सकता उच्चे पद्धर से धरना दिल्ली वाला मंजर हो सकता बन सकता, इतने साढ़े बस वो भी मंग है जेडे एक तो गेट साढ़े जे बनते गेट साढ़े को लिखती कार्रवाइया ने जोड़े प्रोपर तौर पर गेट पूरे के पूरे खोले जाने चाहिए, जो 7 वैसे 6 दिन कहते हैं 6 भी क्यों शुक्रवार की छुट्टी कही छुट्टिया की, अजक जो प्रशासन कोई छुट्टी नहीं गई कोई कुछ नहीं कहना शुक्रवार छुट्टी मनानी पिकनिक मना जाते हैं पता नहीं की चक्कर, बाकी ये धरना उदों तक चलता रहेगा जब तक साढ़े कोई समय से जवजाफा नहीं किया जाता, जो गेटों के संबंधी या कोई रस्त के संबंधी जोड़ा है साढ़े पूरे प्रोपर तौर पर हल नहीं किया, लगभग तो साढ़े जे नांदे जी ब्रांच के बंदे ने उन्होंने वाले सारिया वीडियो भी गई हुई ने, जोड़ा धरने की खबर भी गई हुई है, सारा कुछ होया हुआ फिर भी इन्होंने सूँ कहा भी जो मंग पत्र दे के आए सामने फोन से गल हुई थी, कहते अत्र असी थोड़ा बह गए समझा देवे, बाकी 7 दिन तक तो अभी उन्होंने टाइम दिता सी, फिर भी असी 1 दिन तक होर वेट की, 8 दिन तक लगातार वेट करने के बावजूद कोई भी इन्होंने वालों कोई कदम नहीं चुका गया, होर सू मीटिंग वास्ते कोई टाइम नहीं दिता गया, ना इन्होंने सूँ कोई संदेह भेजा कुछ नहीं, मंगा जी सब तो वड्डी मंग तो साडी गेट की मंग है जी, 2 गेट लगभग हफ्ते के 2 दिन ही खोले जाते, तो आप सारे किसान है किसानों सारे पता भी 2 दिन जेकर खेतों के जाइए तो कि खेती हो सकती है, 1 घंटा जिमें कहते भी किसान खेतों के नहीं जाता तो उनकी खेती बर्बाद होने का चांस पूरा पूरा होता, साड़ी मंग फर्स्टली मंग तो यही है भी जेडे गेट ने वो हफ्ते रेगुलरली हफ्ता पूरा हफ्ता असी तो मंग यही कर रहे हैं भी पूरा हफ्ता खुलने चाहिए, नंबर 2 साड़ी मंग यह है भी गेटां दे विच जो टाइमिंग दे विच है वो इजाफा किया जाना चाहिए, हुण गेट 9:30 बजे गेट खुलता है, शाम को 4 बजे ना पहला ही विसल मार देंदे ने भी आ जाओ जी बाहर आ जाओ, तो अजकल दे टाइम दे विच सारे नूं पता है भी किन्ना कु टैंपरेचर चल रहा है, इन्ने टैंपरेचर दे विच खेती करनी की मुमकिन है कि खेतों के अजकल किसान की पिछा खेतों के वेखो भी टाइम नाल अपने सुबह 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 जाते हैं खेतों के काम करते हैं शाम को फिर लेट तक अपने काम करते हैं, इतने बेचारे किसानों जिन्हें भी किसान ने पूरे उन्होंने पूरी फुल गर्मी 45 डिग्री टैंपरेचर के काम करना पैंता,
ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਚਾ ਟਰੈਕ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਜਾ ਸਕਣ, ਖਾਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਦਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭੇਕ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜਾਫਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜਾਫਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਦਿਉ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ SDM ਮਾਨਯੋਗ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਦਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ BSF ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਨਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ